देख लिया देवरा पार्ट वन, और मूवी देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुझे मूवी कैसी लगी। मुझे सैफ का इंट्रो ज़्यादा अच्छा लगा जूनियर एन टी आर के मुकाबले। लुक्स ले लो चाहे एक्टिंग ले लो, मुझे जूनियर एन टी आर कहीं ना कहीं फीके लगे हैं सैफ अली खान के मुकाबले में। सैफ का जो लुक था, जो मेकअप था, वो दिख रहा था कि भाई एक खूनखार एक टेरिफिक हॉरिफिक बंदा है। लेकिन बात की जाए अगर जूनियर एन टी आर की देवरा, वो बंदा दिखने में स्वीट लगता है यार। जूनियर एन टी आर को भी चाहिए था कि कोई ऐसा मेकअप करे जैसा सैफ लग रहा है कि देखने से ही हाँ भैया खतरनाक, तो उस तरह का भी जूनियर एन टी आर को भी मेकअप या लुक देना चाहिए था। एक्शन और बीजीएम ने पिक्चर को संभाला हुआ है। जिस तरह का बीजीएम यूज़ किया गया है हर सीन में स्टार्टिंग टू एंड तक जो बीजीएम अनिरुद्ध ने दिया है, मैं ये कहूँगा कि सैफ अली खान एन टी आर और अनिरुद्ध तीनों की ये मूवी है तो ये गलत नहीं होगा। इस मूवी के सॉन्ग्स भी अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में हिंदी डब में भी ओरिजिनल तेलुगु के गाने अगर चला देते तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि हिंदी लिरिक्स से फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे अच्छा तेलुगु में कुछ इन्जॉय तो हो जाता। फर्स्ट हाफ में कहीं कहीं डाउन होता है, फिर सेकंड हाफ थोड़ा बहुत जानवी को लेकर तो बेकार ही किया ये लोग, सिर्फ एक गाने के लिए ही अच्छी थी वो, बाकी थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग ओवर सीन्स हुए हैं जानवी के भी। बाकी फिल्म की बात करें तो फिल्म फुल ऑन गूज़बम्प्स से जहाँ पर अनिरुद्ध का म्यूजिक बजता है अपने आप उछलने को दिल करता है। तो म्यूजिक इस मूवी की जान है, एन टी आर सैफ अली खान इस मूवी की शान है। तो यही कहूँगा कि ये मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगर आप इन्जॉय करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, मुंह लटका के बैठेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फिल्म को एंजॉय कीजिए, शुरू में आपको थोड़ा बहुत बोर लगेगा लेकिन मज़ा आएगा देखने में मूवी। और मेरे ख्याल से ये मूवी अच्छी खासी चलने वाली है क्योंकि इसका डे वन बहुत अच्छा आया, 135 एंड 140 के अराउंड आया, तो ये मूवी बहुत अच्छी ही चलने वाली होगी जिस तरह से फर्स्ट डे का कलेक्शन आया है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, देख सकते हैं, मज़ा आएगा देखने में, बोर तो नहीं होगे, थोड़ा बहुत इधर हो जाएंगे सीन ऊपर नीचे लेकिन बोर नहीं होंगे, देखने में मज़ा आएगा जूनियर एनटीआर। मेरा यही कहना है मेकर से कि भाई जब जूनियर एनटीआर को भी कुछ ज़रा मेकअप करके या कुछ ऐसा लुक देते कि जैसा कि इंटेंस लुक जैसा कि सैफ ने किया है, जूनियर एनटीआर एकदम स्वीट सा दिख रहा है, एवरीवन पब्लिक डरे जैसा कैरेक्टर है, तो और भी मज़ा आता था। वेल ये भी अच्छा ही है, देखते हैं मूवी कहाँ तक कलेक्ट करती है कलेक्शन। वैसे मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार, मूवी अच्छी है, इन्जॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बोर है। ये मूवी सालार से तो बेटर है क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक्शन है, सालार में सिर्फ दिखा दिखा के छोड़ दिया गया है एक्शन, अब मारेगा मारेगा पता नहीं सेकंड पार्ट में मारेगा, तो उससे तो कहीं अच्छी मूवी है देवरा। म्यूज़िक बेस्ट है, म्यूज़िक से ये मूवी और भी अच्छी चलेगी। तो ये था मेरा रिव्यू, आप लोगों को कैसी लगी मूवी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।